रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स सूची में मुकेश अंबानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। मुकेश अंबानी और उनके परिवार की लग्जरी लाइफ हर आम इंसान जीने के सपने देखता है। बता दें कि मुकेश अंबानी के अलावा उनकी फैमिली के हर एक सदस्य बॉलीवुड स्टार्स की तरह फैन फॉलोइंग रखते हैं। बात करें मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की, तो ईशा अंबानी अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। जब ईशा अंबानी ने 90 करोड़ का वेडिंग ड्रेस पहना था तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वैसे आपको बता दें कि 90 करोड़ की ड्रेस ईशा अंबानी के लिए आम बात है। उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज करोड़ों की होती है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ईशा अंबानी की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ईशा अंबानी की आलीशान जिंदगी के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बिजनेसमैन मुकेश और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर साल 1991 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ईशा ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई महाराष्ट्र से की थी। वैसे तो ईशा अंबानी एक सफल बिजनेस वुमेन है, लेकिन वो अपने पिता मुकेश अंबानी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं। बता दें कि ईशा अंबानी को अपने बिजनेस के अलावा पियानो बजाना और फुटबॉल खेलना भी काफी ज्यादा पसंद है। बात करें ईशा अंबानी के करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि ईशा अंबानी के पिता मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के फाउंडर हैं। लेकिन यहां आपको ये बता दें कि ईशा अंबानी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की जानी मानी कंपनी मैक्सिन के एंड कंपनी में एज अ बिजनेसमैन एनालिस्ट काम किया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिता की कंपनी यानी कि रिलायंस रिटेल को ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्होंने बिजनेस में पिता का हाथ बटाना शुरू किया। साल 2016 में फैशन पोर्टल आजियो लॉन्च करने का पूरा श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। मुकेश अंबानी कई बार बता चुके हैं कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को लॉन्च करने के पीछे की प्रेरणा ईशा अंबानी ही बनी थी। बता दें कि ईशा अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा साल 2016 में लैक्मे फैशन वीक में आजियो फैशन ऑनलाइन ब्रांड को लॉन्च किया गया। ईशा अंबानी उसकी मालकिन है। साल 2021 अक्टूबर में ईशा अंबानी ने रिलायंस ब्रांड के जरिए फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन ब्रांड में निवेश करते हुए 40% की हिस्सेदारी खरीदी थी। बात करें ईशा अंबानी की फैमिली के बारे में, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईशा अंबानी के पिता का नाम मुकेश अंबानी है और इनकी मां का नाम नीता अंबानी है। ईशा के दो भाई हैं जिनका नाम है आकाश अंबानी और आनंद अंबानी। बता दें कि ईशा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद पीरामल से साल 2018 में शादी की थी। लगभग 100 मिलियन डॉलर यानी 720 करोड़ रुपए ईशा अंबानी की शादी में खर्च किए गए थे। बता दें कि ईशा अंबानी हाल में दो जुड़वा बच्चों की मां बनी है, जिनका नाम है कृष्णा और आज्ञा। चलिए अब बात करते हैं ईशा अंबानी की लग्जरियस हाउस के बारे में। वैसे तो ईशा अंबानी शादी से पहले अपने परिवार के साथ पिता मुकेश अंबानी के घर मुंबई के एंटला में रहती थी, लेकिन शादी के बाद पति पीरामल के साथ रहती हैं। वर्ली में स्थित इस बंगले का नाम गुलीटा है। इस बंगले को हिंदुस्तान यूनिलीवर से साल 2012 में खरीदा गया था। इस आलीशान बंगले की कीमत उस समय लगभग 10 अरब डॉलर यानी 450 करोड़ रुपए थी, जिसे ईशा अंबानी के ससुर अजय पीरामल ने चुकाया था। अब इस महल जैसे बंगले की कीमत कंस्ट्रक्शन के बाद अधिक बढ़ गई है। 5 मंजिला ये बंगला 50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। घर में 3 बेसमेंट पार्किंग, 1 फ्लोर पर गार्डन और 1 एयर वाटर बॉडी है। घर में कई बेडरूम, स्टडी रूम, स्विमिंग पूल, ड्रेसिंग रूम और सभी लग्जरियस सुविधाएं मौजूद हैं। बात करें ईशा अंबानी के कार कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि जहां आम इंसान बाइक बदलने में भी 100 बार सोचता है, तो वहीं ईशा अंबानी हर साल नई नई गाड़ियां खरीदती हैं। इनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर, पोर्श, मर्सिडीज बेंज, मिनी कपूर और बेंटले जैसी कई गाड़ियां शामिल हैं। बात करें ईशा अंबानी की नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि ईशा अंबानी की नेटवर्थ करीब 100 मिलियन डॉलर यानी 668 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थी ईशा अंबानी की लग्जरियस लाइफस्टाइल। वेल, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।